नमस्कार मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल मार्केट के महासचिव कुलदीप कुमार जी आइए बात करते हैं कुछ मार्केट के रिगार्डिंग सर स्वागत है पहले आप अपने एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले मेरा नाम कुलदीप कुमार है मैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट पुष्पा मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो। और मेरी यहाँ शॉप है पिछले तीस साल से मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ उससे पहले मेरे फादर का काम था यहाँ पर इस समय सर जैसे त्योहारों का टाइम है तो आज के जो बाज़ारों के जो व्यवस्था है कैसी है इस समय सर बाज़ारों की व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी 21 वन गार्ड्स yes, सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं hmm. जिससे कि मार्केट में पूरी सुरक्षा हो सके hmm. और पुलिस ने भी अच्छे प्रबंध किए हैं हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे चेकिंग भी हो रही है और जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो हम इस समय कर रहे हैं सर मार्केट की जो मतलब बेस्ट यहाँ की जो वेराइटीज़ हैं किस किस तरह है की मार्केट देखिए लाजपत नगर सेंटर मार्केट हर वर्ग की मार्केट है यहाँ पे हर वर्ग का कस्टमर आता है और यहाँ पर सब चीज़ मिलती है और सबसे बड़ी जो यहाँ की खासियत है कि यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छे हैं ओके। और यहाँ पर मैं लेडीज़ की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है फैब्रिक्स की गारमेंट्स की ज्वेलरी की शूज की और जितने भी रोजमर्रा में यूज होने वाली घरेलू चीज़ें हैं वो सभी यहाँ मिलती हैं अच्छा यहाँ पे सर लगभग कितने शॉप्स होगी सर सेंटर मार्केट के सेंटर मार्केट में पूरी मिलाकर के लगभग एक हज़ार शॉप होंगी एक हज़ार शॉप अच्छा ये मार्केट की जो स्थापित हुई कब वो स्थापित हुई ये मार्केट बनी थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो लोग उस तरफ से इधर आ गए अच्छा अच्छा तो उनको स्थापित करने के लिए लाजपत नगर बनाया गया था और पार्टीशन के बाद ही ये मार्केट अलाउड हुई थी 1950 के आसपास अच्छा। तो इस समय जैसे त्यौहारों का टाइम है कुछ आपने धमाका ऑफर कोई निकाला है बिल्कुल मार्केट के अंदर अप टू 50 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है लगभग सभी शॉप पे चल रहा है और आपने देखा भी होगा बाजारों में इस समय पूरा रश है बिल्कुल ट्रैफिक भी बहुत है और पार्किंग भी फुल चल रही है तो यही समय होता है जब लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदारी करते हैं सर दुकानदारों को किस तरह की यहाँ की परेशानियाँ आती हैं और उनको किस तरह का चुनौतियों हो, का सामना करना पड़ता है देखो दुकानदार को तो परेशानियाँ बहुत आती रहती हैं पर लगातार एसोसिएशन उनको सॉल्व करने का प्रयास करती है प्रशासन के साथ मिलकर और काफ़ी हद तक हमने काफ़ी चीज़ों को सॉल्व भी किया है और आने वाले समय में प्रशासन के साथ मिल हम और चीज़ों को सॉल्व करेंगे उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट को जीएसटी को लेकर सर कोई परेशानी आती है आपकी नहीं ऐसी जीएसटी को ले अभी कोई परेशानी नहीं है अब सब लोग आ, सब समझ चुके हैं सीख चुके हैं सबका कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है छोटे दुकानदारों को थोड़ी बहुत परेशानी आती है बाकी बड़ों के बाद तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम है ऑटोमेटिक काम होते हैं तो उसमें लेकर को, कोई कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है अब अच्छा सर यहाँ पर जैसे खाने पीने को लेकर कर यहाँ पर जो मतलब एक खास वेराइटी कुछ है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मतलब मार्केट से जुड़ना चाहें देखिए जी यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की डोलमा आंटी मोमोज़ जो आपको पता है बहुत ही फेमस है डोलमांटी आंटी के मोमोज़ हैं सिया छोले भटूरे वाला है अच्छा। बहुत मशहूर है राम लड्डू हैं यहाँ के बहुत मशहूर हैं चाइनीज़ चाट है, है यहाँ की बहुत मशहूर है तो ये ऐसी बहुत सारी यहाँ वैरायटीज़ हैं जो जिनका टेस्ट और क्वालिटी बहुत बेटर है और लाजपत नगर में ही मिलता है सर मार्केट की जो यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था देखी जा जाए कैसी व्यवस्था है इस समय पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है पर हम लोग जितनी भी व्यवस्था करते हैं वो कम पड़ती है पहले सरफेस पार्किंग थी हमारे पास अब मल्टी लेवल पार्किंग भी स्टैक पार्किंग बन गई है पर वो भी फुल है तो ये लोगों का प्यार है जो लोग इस मार्केट में आते हैं और पार्किंग की व्यवस्था पूरी करने के बाद भी कमी ही रहती है तो इसी का प्रयास रहता है कि भाई पार्किंग की व्यवस्था को और कैसे ठीक करें पार्किंग को और कैसे बढ़ाएं और कुछ छोटी सी कोई संदेश आप देना चाहेंगे लास्ट में तो नहीं सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं लाजपत नगर में आइए लाजपत नगर में आपका स्वागत है आपके जरूरतों का सभी सामान यहाँ मिलेगा जी। और एक बार फिर आप सबको दिवाली की बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं तो यह हमारी सीधी बात कुलदीप कुमार जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता